मोर आई ट्रैवल द मोर आई सी इट ओनली रीअफर्म्स माई फेथ एंड मेक्स मी बिलीव देर इज नो कंट्री और लैंड एज ब्यूटिफुल एज माइन हर माउंटेन्स रिवर्स एंड ट्राइब्स फॉर एवर आउटशाइन इट इज सेड दैट इट्स नॉट द माउंटेन वी कंकर बट आर सेल्व्स एज वी अचीव्ड हम तपास वी स्टार्टेड द डिसेंट पहाड़ से उतरना भी पहाड़ पे चढ़ने जितना ही मुश्किल था क्योंकि हमें एकदम स्टीप माउंटेन से उतरना था जिस पे रास्ता भी नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद स्नो स्लाइड करने का भी अलग ही मज़ा था। कैसा रहा एक्सपीरियंस? सो गाइज, हमने हमता पास ट्रैक जब अचीव कर लिया था उसके बाद ही तुरंत डिसेंड करना हमने स्टार्ट कर दिया था। ट्रस्ट मी, डिसेंड का पार्ट इतना हार्ड है मैं बोल के नहीं बता सकती, बट बहुत बहुत चैलेंजिंग है वो। ऐसे ऐसे रास्तों पे चले ना हम, पहाड़ के रास्ते थे ही नहीं एक्चुअली। अब हम लोग कैंपसाइट से बस थोड़ा दूर है, बट उससे पहले हम लोग अभी शिया घोरू पहुँचने वाले हैं ना, कैंपसाइट वहीं पे है, बट उससे पहले ना हमें एक रिवर क्रॉस करनी है जिसका पानी बहुत ठंडा होता है। गाइड बोल रहे हैं कि पैर आपको फील ही नहीं होंगे। सो बस अब वो एक आखिरी चैलेंज जो है वो बाकी रह गया है, क्योंकि सीरियसली ऐसा फील हो रहा है ना आज तो, ओह गॉड, बहुत बड़ी अचीवमेंट। और अब बस फाइनल टास्क चैलेंज बाकी है, वो है नदी क्रॉस करना। लेट्स गो। सो दिस इज द रिवर जो हमें क्रॉस करनी है, वो हमारे ही ग्रुप के हैं जो क्रॉस कर रहे हैं। नीज तक पानी है, बहुत डर लग रहा है। ओह गॉड, देखिए ऊपर ऊपर देखना है वहां पे। यहाँ तक आएगा पानी, माउंटेन की तरफ देखो, केवल माउंटेन की तरफ। शाबाश शाबाश, आगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 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 देखो, देखो ऊपर देख, गिरना नहीं है, आगे आगे बस आगे। शाबाश, हो गया हो गए हो गए। After crossing the coldest river, we reached the coldest campsite, Shiya Ghoru. So friends, Hamta Pass is known as beginner's trek. अभी आपको सब मेरे ग्रुप के मेंबर्स बताएंगे beginner's trek है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल झूठ। रिपोर्ट भी करूंगा मैं, जिसने भी बिगनेस ट्रैक डाल रखा है मैं रिपोर्ट करूंगा जाके कैसे हुआ ये बिगनेस ट्रैक, क्या नहीं है इस ट्रैक में। पहले मैं ये सोच रहा था अपनी वाइफ को ले आऊं, बट अब जीवन में कभी नहीं लाऊंगा। हम लोग लिटरली आप लोगों को सच्चाई बता रहे हैं कि इट इज नॉट अ बिगनर्स ट्रैक। मत बिलीव करना जो भी है बोले कि बिगनर्स ट्रैक है, सीरियसली। तो फ्रेंड्स, वी हैव रीच्ड शिया घोरू फाइनली। इट्स डे 3 एंड शिया घोरू बहुत ठंडी साइट है यहाँ की, इस हमता पास ट्रैक की। शिया घोरू का मतलब ही होता है, शिया मीन्स ठंडा एंड घेरू मतलब घेराव, मतलब ठंडी चीज़ का घेराव। और आपको दिख रहे होंगे मेरे वेबसाइट पे भी, माउंटेन्स पे बहुत बर्फ है, इवन यहाँ से हमता पास भी दिख रहा है, आई शो यू। एंड यहाँ पे आपको ग्रीनरी दिख रही होगी, बट यहाँ पे पूरा जो रॉकी एरिया है ना, यहाँ पे मैंने अभी इनसे पूछा, यहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा नहीं होती, प्लांटेशन ज़्यादा नहीं होती। एंड यहाँ पे जो रिवर जा रही है जो हम क्रॉस करके आए हैं, सबसे
ठंडी रिवर है यहाँ की, हमारे लिटरली पैर जो है ना वो हमें फील नहीं हो रहे थे, मतलब बहुत बहुत टफ है। एंड हम लोग हमता पास से आई गेस 3 आवर्स की डिसेंड करके यहाँ पहुंचे, बट ट्रस्ट मी वो डिसेंड जितनी हार्ड थी ना वो मैं आपको वर्ड्स में बता ही नहीं सकती। मतलब मैं इतना बोल सकती हूँ कि लाइफ चैलेंजिंग, सीरियसली बहुत बहुत टफ थी, बट मज़ा भी आया क्योंकि हमने बहुत सारे रिवर क्रॉस की, देन स्नो में स्लाइड की, मज़ा बहुत आया, बट बहुत रिस्क टेकिंग है ये। आई डोंट नो इसे बिगिनर्स ट्रैक क्यों कहते हैं, बट फाइनली इट्स डे 3। अब हम लोग 4 बजे पहुंच गए थे कैंप साइट पर, उसके बाद बहुत बारिश हो रही थी, बट देन नाउ अभी धूप निकल रही है सो अभी अच्छा लग रहा है। और अब हम कैंप साइट पे बस रेस्ट करने वाले हैं, व्यू को एंजॉय करने वाले हैं, एंड कल सुबह हम निकलेंगे छत्र के लिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स डे 4 एंड आज हम जाएंगे यहाँ से छत्रू के लिए जो कि 3 आवर्स की ट्रैक है। इट्स 8 o'clock राइट नाउ एंड अभी हम बस ब्रेकफास्ट करेंगे शिया घोरू में और फिर निकलेंगे छत्रू के लिए। फॉर्चुनेटली वेदर अच्छा है, धूप निकली हुई है, बट ठंड बहुत बहुत ज़्यादा है, पानी में तो हाथ भी नहीं डाला जा रहा, बट यस लेट्स हैव ब्रेकफास्ट नाउ। वी डिड आवर ब्रेकफास्ट एंड देन वी स्टार्टेड हेडिंग टुवर्ड्स छत्रू। छत्रू के रास्ते पे हमें वाइल्ड स्पिनच दिखा है काफ़ी सारा, बट ये वाइल्ड स्पिनच है जो सिर्फ यहाँ पे भेड़ बकरियाँ जो होती है वही खाते हैं, बट या इट्स ब्यूटीफुल ग्रीनरी, रॉकी माउंटेन्स, बड़े बड़े चट्टान, और हमें कैंप साइट भी आगे दिख चुकी है बट बहुत ज़्यादा दूर है, सो यस अभी हम बस चल रहे हैं एंड चल रहे हैं। We have taken a short break over here and just see the view. ये हसी वादिया, ये खुला आसमां, it's just beautiful. हमें वहां जाना है। So guys, अभी हमने ये view enjoy करते करते यहाँ पे थोड़ा snacks किए हैं और अब हम फिर से चलेंगे छत्रू की तरफ। Let's go. Even the last day of trek had so much thrill to offer us, and here we came across the most risky and dangerous part of fourth day. This big slant glacier with this flow of river beneath it. We need to cross this giant glacier. Here there was no margin of error. You just can't afford to commit a single silly mistake over here. We crossed this glacier with the help of guides and then reached our destination, Chatru. We have finally reached Chatru, जो कि स्पीति वैली में आता है, so officially we are in Spiti Valley right now. एंड ये छत्रू जो है वो हमता पास ट्रैक का लास्ट स्टॉप भी है और इसे रेन शेडो रीजन भी कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे का जो वेदर है वो बहुत ही प्यारा है। एंड यस अभी हम लोग फाइनली छत्रू पहुंच गए, हम लोग सब बहुत ज़्यादा खुश है बिकॉज
हमने 4 दिन की जो ट्रैकिंग की है ना, हर एक दिन के साथ ट्रैकिंग चैलेंज बढ़ता जा रहा था लिटरली। बट अब जब हम फाइनली छतरू पहुंच गए हैं, हम लोग सब इतना खुश है बिकॉज ट्रैक अब फिनिश हो चुका है। अब यहाँ से हम जाएंगे चंद्रताल लेक। तो चंद्रताल लेक यहाँ से ऑलमोस्ट 3 आवर्स की ड्राइव पे है एंड वो हम कार से सब जाएंगे। यहाँ पे अभी हमारी कैंप साइट है और अभी हम लोग हॉट लंच करने वाले हैं यहाँ पे। और यस, वी आर रियली वेरी हैप्पी दैट वी हैव सक्सेसफुली अचीव्ड हमता पास ट्रैक। We did our hot lunch and headed towards Chandratal Lake. And the drive to Chandratal Lake was something more than beautiful. And then after the walk of 15 minutes, we reached the beautiful Chandratal Lake. बहुत ब्यूटीफुल है एंड ये चंद्रताल लेक जो है इसे होली लेक माना जाता है। गाइज, गुड मॉर्निंग, इट्स डे 5 एंड कल हम लोग चंद्रताल लेक से रात को 9 बजे पहुँचे थे। उसके बाद हमने डिनर किया एंड देन सो गए। नाउ इट्स डे 5 और आज हम बस यहाँ से निकलेंगे मनाली के लिए एंड इट्स एन ऑसम डे। लुक एट द व्यू, इट्स अ सनी डे। बहुत मज़े किए ये पूरे ट्रैक के दौरान, बहुत मज़ा आई। अभी बस हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन हम लोग मनाली के लिए निकलेंगे वाया अटल टनल। पहाड़ हमें कितना कुछ सिखा जाते हैं ना, जैसे अपने डर से जीतना, जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ों को सेलिब्रेट करना, सब्र रखना, कंसिस्टेंसी रखना और सबसे अच्छी चीज़, माउंटेन्स टीचेस अस दैट देयर इज नो फिनिश लाइन। बिकॉज व्हेन यू गेट टू टॉप ऑफ एनी माउंटेन, यू आर सिंपली एट द बॉटम ऑफ अनदर ग्रेटर क्लाइंब एंड दैट्स व्हाई माउंटेन्स हैव द पावर टू मेक अस फील स्मॉल इन ऑल द राइट वेज। Mountains teaches us very well that it's all about the journey. After spending 4 days in the lap of raw nature, we came back to the man-made.
But one thing that we will forever own about this journey are the memories. The mountains, the greenery, the bridges we crossed, the waterfalls, the rivers, the snow, the rocks, the tiredness, the happiness. The memories are forever.